कोसी सीमांचल और मिथिलांचल को आर्थिक स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने की मांग को लेकर सहरसा में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय भूख हड़ताल किया। इस दौरान स्थानीय स्टेडियम के पास भारी संख्या में जाप कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। वहीं इस भूख हड़ताल और धरना में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी शामिल हुए और राज्य और केंद्र सरकार से कोसी सीमांचल और मिथिलांचल को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने की मांग की। साथ ही जाप सुप्रीमो ने कहा कि अगर सरकार हम लोगों की मांग को नहीं मानेगी तो आगे चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करेंगे और सड़क से लेकर रेल तक का चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि हर कीमत पर आम लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। आम लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ है, उस ज़रूरत के साथ हम लोग आर्थिक आज़ादी, इन लोगों की ज़िंदगी को सेफ रखना, इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आगामी 4 मार्च को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के लाखों लोग जुटेंगे। इस लड़ाई का आगाज होगा। सरकार आम आदमी के आर्थिक आज़ादी के साथ कोसी सीमांचल और मिथिलांचल को विशेष पैकेज दे या फिर राजधानी दो, हम लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। यह लड़ाई आर पार की होगी। 4 मार्च के बाद जनता तय करेगी। दिल्ली और पटना कोसी सीमांचल का भाग्य विधाता खुद कोसी सीमांचल होगा। बहुत क्लियर है कि आज़ादी के बाद बहुत सारे नेता, मेरा सवाल है कि बाढ़ हमारे लिए अभिशाप क्यों बना? व्यवस्था ने, नेताओं ने क्यों बनाई? हाई डैम पर आज तक हमें ठगने और लूटने का प्रयास क्यों किया गया? फरक्का और भीमनगर का चौड़ीकरण क्यों नहीं हुआ? आज तक पक्कीकरण और स्पर के लिए करोड़ों अरबों रुपया और नदी के घाट के लिए क्यों लूटे जाते हैं और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? आज तक हमारे बीच में सबसे ज्यादा पलायन क्यों हुआ? हमारे लिए विशेष पैकेज और विशेष राज क्यों जरूरत है? जो सर्वे आया उसमें गरीबी सबसे ज्यादा बिहार और बिहार में कोसी सीमांचल क्यों? 1.25 करोड़ लोगों का पलायन क्यों? सारी फैक्ट्रियां हमारे यहां से बंद क्यों हो गई? फैक्ट्रियों के लिए हमारे पास हाई डैम के लिए, एम्स के लिए, चुनापुर एयरपोर्ट के लिए, पूर्णिया उपराजधानी और हाईकोर्ट बेंच के लिए हमें विशेष स्पेशल स्टेटस हमारा डिमांड है, हमारा अधिकार है और आम आदमी की आज़ादी इसी में है कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज मिले। आज तक बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार केंद्र ने और 10 सालों से नरेंद्र भाई मोदी जी ने, एक भी आज तक न तो 5,000 करोड़, न तो विशेष राज, न तो बाढ़ से मुक्ति, न तो मंडी और बाजार सिस्टम, न तो किसान, एक भी मुद्दा जो हमारा है, रेल से जुड़ा सुपौल, जयनगर से ट्रेन सीधा चले सहरसा से राजधानी, और जो रेलवे लाइन हम लोग लाए, जो रेल लाए उसको और बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दिया गया? नया रेलवे लाइन जो हम लोगों का मांग है, डिमांड है, जो सीधा कुर्सेला से भीमनगर और सीधा बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान के साथ साथ पूर्णिया भनमनखी से डायरेक्ट पटना और कलकत्ता के लिए ट्रेन, सहरसा से डायरेक्ट ट्रेन, ये जो डिमांड है सहरसा में एम्स, ये मुद्दा सिर्फ आम आदमी की आज़ादी का है। जो लगातार इंस्पेक्टर राज है, जो लगातार जो भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा प्रभावित है, इससे आज़ादी कब मिलेगी? इन मुद्दों को लेकर हम लोगों की लड़ाई, हमारा संकल्प है कि हर कीमत पर आम आदमी को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। आम आदमी का जो की जो जरूरत है, उस जरूरत के साथ हम लोग आर्थिक आज़ादी, आम आदमी की जिंदगी को सेफ रखना और इन सारे मुद्दों के लेकर हम लोग लगातार क्रमबद्ध आंदोलन की घोषणा थी, उसी उपलक्ष्य में आज उपवास था। 4 मार्च को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आर पार की लड़ाई 5 लाख कोसी सीमांचल मिथिलांचल के लोगों के साथ, या तो हमें विशेष पैकेज दो आम आदमी की आर्थिक आज़ादी के साथ, नहीं तो राजधानी दो।
राज दूं। हम अब चुप बैठने वाले नहीं, लड़ाई आर पार की होगी। 4 मार्च के बाद जनता तय करेगी दिल्ली पटना, पटना और दिल्ली तय नहीं करेगा कि कोसी सीमांचल का भाग विधाता खुद कोसी सीमांचल होगा। इसलिए इस लड़ाई को हम लोग आगे तो मंदिर तो घर घर में न, राम हमारे भीतर है। राम ने कहा हम राम के भक्त हैं, राम ने हमको हनुमान के रूप में चुना इस भारत में। बोला आप सबरी का काम करिए, आप केवट का काम करिए, आप हमारे भक्तों के आंसू पोछिए, उसकी मदद करिए। हम वहीं पर मीरा के तरह कृष्ण पहुँचे थे, हम वहीं आ जाएंगे। आप हम तो राम के सुदामा हैं, राम के मीरा हैं। तो भक्त के नज़दीक ना राम जाएगा, हो भक्त को जाने की ज़रूरत नहीं है, भक्त के लिए जीने की ज़रूरत है। और एक आदमी है पप्पू यादव जो राम के भक्त के लिए काम करता है। यदि हिम्मत है मोदी जी को तो राम का जो मीरा है और सबरी है और हनुमान है उसके लिए जी के दिखाओ ना। गरीबी खत्म करिए ना, गरीब शब्द को मिटा दीजिए ना। तो राम के भक्तों को मरने पर छोड़ देना तो राम कहाँ से खुश होता है। राम के सबरी को आप छोड़ दोगे, राम के वाल्मीकि को यदि आप छोड़ दोगे तो राम कहाँ से खुश होगा। राम खुश नहीं होगा। असली राम भक्त पप्पू यादव है, जो कि भक्तों का काम पप्पू यादव कर रहा है, राम का काम पप्पू यादव कर रहा है। इसलिए हम उनमें डूबे हुए हैं, हम बहुत पहले डुबकी लगा चुके हैं। और गरीबों का आंसू जब तक बंद नहीं होगा तब तक पोछेंगे, यही राम का।